मजा आ गया भाई साहब। आंखों पे ना अजीब सा प्रेशर आ रहा है, मतलब ऐसी छोटी छोटी हो गई है, एकदम से धूप आ जाती है थोड़ी सी, एकदम से ऐसा हो जाता है कि धुआं धुआं धुआं। और मैं अपने साथ ना ये भी लेके आया हूँ, तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स। गई थी तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा क्योंकि ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे थे आपकी, इतनी चाहे आप जितने मर्जी नजारे देखो आप ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे तो कैसे कर। हेलो फ्रेंड्स, वी आर सैगल्स एंड यू आर वाचिंग बीइंग सैगल। दोस्तों आज हमारे रोड ट्रिप का 8th दिन है पूरा, आज एक वीक पूरा हो गया, लास्ट फ्राइडे निकले थे और आज फ्राइडे है। दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से आरएन वैली, आरएन वैली से परसों वेडनेसडे शाम को हम पहुंचे थे लेह। तो सारी वीडियोज अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है शांति स्तूपा से। ये पॉइंट हमारा रह गया था, ये पॉइंट ऐसा है कि ये यहाँ पे आए बिना आपका लेह का टूर पूरा नहीं होता है ना, यहाँ पे आना तो मस्ट है। अभी मॉर्निंग 8:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर देख के हम लिख लेंगे नुब्रा वैली की ओर। बहुत बढ़िया पैनोरमिक व्यू आ रहा है पूरी ले सिटी का। मैं इमेजिन कर रहा हूँ सनराइज और सनसेट ना बहुत बढ़िया लगते होंगे यहाँ से, बट वो हम यहाँ पे उस टाइम नहीं थे। तो यहाँ पे क्या है, ये शांति स्तूपा जैसे नेम बताता है पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1991 में एक जैपनीज भिक्षु ने ये कंसर्ट कराया था टू मार्क दी 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पे पूरे चक्र में भगवान बुद्धा के, महात्मा बुद्धा की लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया, जन्म से लेके मरण तक के। बहुत अच्छा वो लग रहा है, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल लग रहा है, ऊपर से पूरा पैनोरमिक व्यू आ रहा है बहुत सही। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, अभी शांति स्तूपा से हम और नुब्रा वैली। तो डिस्किट मोनेस्ट्री का जो यहाँ से रास्ता है वो 115 किलोमीटर है, अराउंड 3.5 hours लगेंगे। रास्ते में अभी 40 किलोमीटर पर आएगा खरदुंगला टॉप, दी हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो ये लेह की जो अभी प्रेजेंट हाइट है दैट इज़ अराउंड 11,000 फीट और जो खरदुंगला टॉप की हाइट है वो 18,000 फीट। तो मतलब 40 किलोमीटर में 7,000 फीट ट्रैवल करेंगे हम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता, क्या रहता दिखाते हैं। मैं कहूँगा कि ये जो एक ना साइकोलॉजिकली ज़्यादा होता है कि हमने इतनी ऊपर जाना है, क्या होगा क्या होगा, बहुत बनाया गया। अगर आप नॉर्मली लेना कि कुछ नहीं है, क्या है, रोड भी तो चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, तो वो लगता है। बट अगर आप ऐसा नहीं है बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है ना, वो हमें जाके पता चलेगा। पर बहुत लोगों से जितना सबसे सुना है, लाइव भी सुना है, तो बहुत कईयों के साथ बहुत गलत एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो वही लोगों ने डाले हुए हैं साइकोलॉजिकली। वो भी तभी आता है जब हम किसी से सुन लेते हैं किसी को, वही कहानियां बनी हुई है तो कुछ होगा, क्या हो जाए। तो एक और रह गया था कि अपने साथ डाइमॉक्स हाई एल्टीट्यूड सिकनेस टैबलेट जरूर रखें, और मॉर्निंग में लग रहा है नहीं लग रहा चुप करके खा लो, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे आए हुए हो, हमें नॉर्मली इतने एल्टीट्यूड पे रहने की आदत नहीं है। यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं खरदुंगला की। एक पोस्ट है यहाँ पे, परमिट चेक होता है, इनर लाइन परमिट, जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। नीचे वेबसाइट का नाम लिख दिया मैंने, वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हो ना सारे कर लेते हैं कि आपका पता नहीं यहाँ पे आगे किधर जाने का मन कर जाए, क्या हो जाए। पहले क्या होता था, ऑफलाइन परमिट लिया जाता था तो यहाँ पे बहुत लाइन लगती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने ये परमिट देखिए ये ले लिया था ऑनलाइन। पर पर्सन कॉस्ट जो करती है 650 rupees इंक्लूडिंग 50 rupees कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड रेड क्रॉस। तो 1340 रुपये मेरे टोटल लगे थे दो बंदों के, अप टू 12 किड्स आर फ्री।
तो चलते हैं यहाँ से, खरतुंगला स्टार्ट हो गया है वो देखो। ओए हाय, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए, बाइकर्स रुके हैं सारे, थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो ये बंदे कवर कर रहे हैं अपने आप को। मौसम ऐसा हो रहा है ना फर्स्ट क्लास, वाओ। और ये छोटी छोटी सी बूंदे आ रही हैं, क्या आ रहा है शीशे, बड़ा अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। स्नोफॉल हो रही है जून के महीने में, बाइक और वॉक पे मजा आ गया। जहाँ तक ऊपर नज़र जा रही है ना, कहाँ तक आधा पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है, उससे ऊपर जाना है हमने, और यहीं से स्नोफॉल शुरू हो गई है। वाओ, मज़ा आ गया भाई साहब। हाँ जी नैनो, स्नोफॉल यार हमारे लिए तो सही है, हम गाड़ी में हैं, पर जो लोग बाइकों पे चल रहे हैं साथ में ना, उनका क्या हाल हो रहा है। अरे जाम क्यों लग गया यहाँ पे, अभी 10 मिनट हो गए हमको गाड़ी में बैठे हुए और जाम पूरा लगा हुआ है, सामने से भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है, ऊपर मौसम खराब है तो रास्ता रोक के यहीं पर ना होल्ड हो जाए, नुबरा मारी यहीं पर ना बन जाए रास्ता। स्नोफॉल भी तेज हो गई है ऊपर, मौसम जहाँ तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऊपर हैवी स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। हैवी ड्राइवर निकल रहे हैं आगे बहुत सारे, क्यों जा रहे हो यार, क्यों जा रहे हो, जाम लगा हुआ है तो लगने दो ना। टेम्पो भी ले जाऊंगा आगे, क्या कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो। यार ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी अगर ऐसे चलाते हो ना तो ना चलाया करो यार, सुनते तो है नहीं, मान जे नहीं, पूरा ब्लॉक कर देंगे, जाने नहीं देंगे किसी को। मजा आ रहा है, बड़ो 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 आंखों पे ना अजीब सा प्रेशर आ रहा है, मतलब ऐसी छोटी छोटी हो गई है, पता नहीं क्यों, ये धूप करके, धूप तो है नहीं, प्रेशर करके, एल्टीट्यूड करके, क्या करके है पता नहीं, मतलब इधर आके ही एक्सपीरियंस करा मैंने कि ऐसी ही हो रही है।
खरदुंगला पहुंच गए हैं टॉप पे। बहुत बढ़िया, पीछे देखो नजारे ही नजारे। यहाँ पे एक टॉप कैफे बनाया खरदुंगला कैफे, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और एसबीआई का एटीएम भी है। ऊपर मेरे को गुरुद्वारा के निशान साहब दिख रहे हैं। वाओ, मंदिर है, हाईएस्ट टॉप पे पीक पे मंदिर है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थड़े के आते हैं अभी, और मैं अपने साथ ना ये भी लेके आया हूँ, तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स। आपने देखे होंगे काफ़ी जगह लगे होते हैं, मेरे पीछे भी देखने लगे होते हैं, तो इनका भी महत्व होता है ये लगाने का, कि ये आप इतनी हाइट पे आए हैं, आपकी जर्नी सेफ रहे, और ये हवा के साथ आपकी जो प्रेयर्स होती हैं वो रब जी तक पहुँचाते हैं। तो अभी हम ये लगाते हैं, कहीं पर बांधते हैं, फिर आगे चलते हैं। बेसिकली ये 5 कलर के होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और आग। तो बहुत अच्छा, एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे हूँ मैं, इतनी टॉप पे हूँ, तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे, अपनी प्रेयर्स भगवान दिए जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप भी आएँ, ऐसे कहीं ट्रैवल करें ना, तो लेके ज़रूर ये लगाएं, दिखने में भी अच्छा लगता है और महत्व भी अच्छा है, इसकी स्टोरी भी अच्छी है, कि आपकी लिए गुड लक देते हैं और प्रेयर्स होती हैं कि आपकी जो जर्नी है वो सेफ रहे। मतलब जून में देखो ये हाल जो हुआ हुआ है पास का, जून टाइम में, सर्दियों में क्या हाल होता होगा यहाँ पे, इमेजिन कर रहे हो आप। उस टाइम में भी हमारी आर्मी, हमारे जवान, हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे तैनात रहती हैं। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है, जय हिंद। मौसम ना एक एक मिनट में चेंज हो रहा है, ठंड तो है ही है, बर्फ़ पड़ी हुई है, फिर भी एकदम से धूप आ जाती है थोड़ी सी, एकदम से ऐसा हो जाता है कि धुआं धुआं धुआं, और पर ज़्यादा देर यहाँ पे पास पे रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन क्लिनिक्स बने हुए हैं कि ऊपर आगे अगर दिक्कत होती है तो ब्रीदिंग में, ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए। नीचे निकल रहे हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि एक बार दिक्कत हो जाए ना ऑक्सीजन की, ब्रीदिंग की, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है आगे जाने में। धीमे धीमे स्नोफॉल ना अभी भी हो रही है, खरदुंगला से थोड़ी आगे आ गए हैं, नैनो बाबू जी की थोड़ी सी डाउन हो रही है तबीयत, भी हाइट ऊपर है बच्चा, वो भी तो हो जाता है। हमने इसको पूरे मेडिसिन वगैरह दे दिए, हाँ तो बेटर है, काफ़ी पेट पे भी क्या था, मुझे दर्द हो रही है, तो मैंने जो डोलन है मामाअर्थ का, वो मैंने इसके स्टमक पे लगा दिया, कर दिया। तो यही होता है कि आप आए, आप एंजॉय करें, पर साथ साथ निकल जाएं। हाँ। हाइट होती ऊपर होती, ऑक्सीजन लो होती है। मैं भी पिक्चर्स लेने के लिए ऊपर गई थी, तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता, हाँ। क्योंकि ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे थे आपकी, हाँ। इतनी जब चाहे आप जितने मर्जी नजारे देखो, आप ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे तो कैसे क्या होगा। राइट, मैं भी फटाफट 2-3 पिक्चर्स मैंने क्लिक करवाई और चलो यार बस चलो यहां से, तो कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ब्रीथ कर ही नहीं पा रहे हैं, वहीं की वहीं रुके। राइट, और हाइट पे होता है स्लोप चढ़ते हुए सांस भी ज्यादा चढ़ जाता है और ब्रीथिंग में इश्यू होता है, ठीक है, और अच्छा पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड टू बी हियर, एक रिमार्केबल पॉइंट है, लाइफ में एक बार ही यहाँ पे आना बनता है,
जरूर आए, ये एक प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक और चीज कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि हम अभी 18,000 हाईवे राइट पे हैं, हमारे जवान किस किस साइड पे खड़े होते हैं, कहाँ कहाँ जाके लड़ते हैं, और ये तो टेम्परेचर ही कितना है, बोलो तो -40 -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होते हैं, मतलब सैल्यूट है उनको, जय हिंद। तो इसी बात पे जय हिंद के नाम पे ये वीडियो का समापन करते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, नेक्स्ट स्टॉप आएगा डिक्सिट मोनेस्ट्री, उसके बाद हमारा स्टे आज रात को हुंडर में है, कल हमने टोटुक जाना है। अभी बहुत लंबी जर्नी हुई है बची हुई, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो कर लो, विंग सैगल, थैंक यू। यहाँ पे बिना लाइन के लिए मारो मार चल रही है टिकट के लिए, क्या हो रहा है देखने। डरने लगा क्योंकि ना लोगों का सोच यह था कि हिंदुस्तान में कैप्चर कर लिया। पहुंच गए जी, इससे आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, ये लास्ट पॉइंट आ गया, वो पाकिस्तान है, बीच में LOC है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं।